केंद्रीय क्रीड़ा और कला परिषद के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता कल से भिलाई में शुरू हुई। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ CSPDCL दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता एम जामुलकर ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 7 रीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में सिंगल, डबल और टीम इवेंट के कुल 54 मुकाबले खेले जाएंगे। CSPDCL दुर्ग के अतिरिक्त अभियंता हर्ष मिश्राम ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की टीम का गठन होगा जो राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रदेश का नेतृत्व करेगी। आज से यहाँ शुरू हुआ है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 7 टीमें 7 रीजन से यहाँ उपस्थित हुई है, जिसमें प्रमुखता हमारे कोरबा की 2 टीम हुई है, कोरबा ईस्ट और वेस्ट की, और रायपुर से रायपुर रीजन और रायपुर सेंट्रल की टीम उपस्थित हुई है, बिलासपुर रीजन की टीम है, दुर्ग रीजन की टीम और राजनगर रीजन की टीम, इस तरह 7 टीम यहाँ उपस्थित हुई है। और इनके बीच आज गेम स्टार्ट हुआ है। टोटल 3 दिनों का हमारे यहाँ आयोजन है, 8, 9, 10 का, और 10 तारीख को समापन होगा। टोटल इन 3 दिनों में 54 गेम्स आयोजित किए जाएंगे। कल खेले गए उद्घाटन मैच में दुर्ग रीजन ने कोरबा और रायपुर रीजन ने बिलासपुर को हराकर अपने अपने मैच जीते।